याद कल एक अजीब रिवाज चल पड़ा, इसके दिन कोई ईद गदीर मना रहा है। पहली बात सुन्नियों में नहीं है, ये राजियों का काम है। क्यों? वो कहते हैं कि नबी पाक ने जो फरमाया ना, मन कुन तो मौला हो वादानियुल मौला, इसे हजरत अली को खिलाफत दे दी है। हम कहते हैं अगर इंसान के अंदर हलाली खून हो और बंदा इस हदीस को पूरा पढ़ ले तो ये कभी मफहूम नहीं साबित होता। वजह ये है, अगर ये खिलाफत देनी थी तो नबी पाक हज के खुतबे में देते जहां सारे जमा थे। जब सारे चले गए गदीरे खुम के मकाम पर, सिर्फ मदीने वाले और यमन वाले रह गए, पता नहीं वो 2000 बंदा था या 3000, वहां 1.25 लाख था। 1.25 लाख के सामने नबी खिलाफत देते, सबको पता चलता। समझ आ रही ना मेरी बात की? ये 2-3 हजार बंदे के सामने नबी पाक ने यह क्यों कहा? तो आपको इतनी अकल भी नहीं है। पहली बात यह है, पता चला ये मामला खिलाफत का नहीं है, हदीस बताती है। मामला ये था, सब सुनिए मामला। यमन वहां पर दो रास्ते थे, इधर यमन को रास्ता जाता है और इधर मदीने को जाता है। अब यमन वालों ने जब इजाजत लेना चाही ना, तो एक बंदे ने हजरत अली के खिलाफ कुछ शिकायत नबी पाक की बारगाह में लगाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके सारे सवाल सुने, जवाब देने के बाद पता क्या फरमाया, ताकि ये मजीद इसकी वजह से कोई और लोग इसकी पार्टी में ना आ जाएं, आपने यूं हाथ उठाया, फरमाया मन कुन तो मौला हु फहादा अलीयुन मौला, इसका तर्जमा कसम खुदा की मस्जिद में बैठ के मैंने मरना है, कब्र में साइयां नु मुंह विखाणा, मैं सही तर्जमा कर रहा हूं। फरमाया लोगों, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से भी मोहब्बत करे, बस सिर्फ इसका यह मतलब है। आप बाद लोग कहते हैं इससे मुराद विलायत भी है, खिलाफत भी है। तो मैंने कहा पहली बात यह है, अगर तुम कहते हो कि नबी पाक ने आज विलायत का ऐलान किया है गदीरे खुम के मकाम पर, तो क्या मेरा सवाल यह है, मेरे मौला अली पहले वली नहीं थे? क्या पहले विलायत नहीं थी? मैं आपको बताता हूं, जुमले नु जरा सुनिया जे, और ये सुन्नी बोल सकता गोडे छाटो काका सिद्ध होके बह, जरा ए जुमला सुनिया जे। एक होता है जुमले का लुत्फ आपे लेना, मैं दोबारा नहीं बोलना ना, मैं तुहानू कहना है। मैंने कहा तू कहना कि आज वली बने ने, चल परे, एक कुंदा के बंदा जमदिया वली है, अली वो है जो आलम अरबा में भी वली है। हाँ, और ये मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं भाईजान। आपको किसने कहा है कि आज विलायत का ऐलान हुआ है? नहीं, आज सिर्फ उन इतराजों का जवाब देकर नबी पाक ने फरमाया अली पर इतराज ना करो। क्यों? फरमाया जैसे मुझसे मोहब्बत करते हो वैसे अली से भी मोहब्बत फरमाया करो। बस इतनी बात थी, और लोगों ने इसको ईद बना दिया। और मैंने कहा मसला समझ आ गया है, इहदे विच ईद वाली तो गल ही कोई ना हो सकती है, अहमद ड्रामा। ईद दो ईदों के बाद एक ही है, वो मेरे मुस्तफा के मीलाद वाली ईद है। और सुनो यहां ये मसला समझ लो, ये किसी का मजहब हो मसलक हो तो लख बारी ईद करे, सुनिए तुम नहीं कर सकते, चूंकि इस दिन ईद वाली बात नहीं। चूंकि राफजी तो कहते हैं कि हजरत अली खलीफा हैं, हम कहते हैं अगर हजरत अली पहले खलीफा हैं और नबी ने बना दिया था, तो क्या सारी अहले बैत और सारे नबी पाक के सहाबी इस बात को समझ ही ना सके? किसी ने इनको पहला खलीफा नहीं बनाया, हजरत अबू बकर क्यों बने? और फिर हजरत अली खुद उनके हाथ पे बैत कर रहे हैं, क्या तुम हजरत अली को भी दागदार करना चाहते हो? सारी सारी नबी पाक की अहले बैत को भी तुम दागदार करना चाहते हो? खुदा का खौफ करो, यहां मसला ना ईद का है, ना खिलाफत का है, ना विलायत का है, यहां मोहब्बत अली का मसला है। और कौन है जिसके दिल में अली का प्यार नहीं है? सुन्नी ऐसा माने कोई गंदा जना ही नहीं है जिसके दिल में अली का प्यार ना हो। हमारी मां तो लोरी ही देती है तो अली का नाम ले लेके देती है, समझ आइए आप रात को। तो यहां पर ईद का, ये राफसी ईद इसलिए करते हैं कि नबी पाक ने ऐलान किया, लिहाजा ये पहले खलीफा है, साड़ी ईद हो गई। मैं क्या पुत्र तू साथ करो, तुसी तो है ही राफसी, लेकिन आ सुनिया जड़े लुके हो ना, तुहानू ना मैं करण देंगा। या राफसी बण या सुन्नी बण। अच्छा एक बात और सुनिए, आजकल ये भी होता है, नहीं जी मौली साहब ये साडे विच फिर कमी हो ही ना। अब मैं क्या, मेरा जुमला सुनी, अगर ये तुम्हें कमी लगती है ना कि सुन्नियों में मोहब्बत या अहले बैत या मोहब्बत या अली की कमी है, दफा हो जा, शिया बन जा। हम सुन्नी हैं, हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के सहाबा से भी प्यार करते हैं, हम किसी की नफरत अपने दिल में नहीं रखते हैं। सुभान अल्लाह, फरमाओ बुलंद आवाज के साथ सारे। ये क्या तरीका कार है जनाब, पूछने वाला कोई नहीं है, इसका कोई ईद के साथ ताल्लुक नहीं। और ये दिन हजरत सैयदना उस्मान गनी की शहादत का दिन है, और लोगों ने इसको ईद बना लिया। और इस दफा एक दरवेश ने बड़ी सोहनी बात कही है, अगर आप जागे तो सुना दूं आप हजरात को। 5-4 बंदे ढिले बैठे हो, ढिले नहीं बैठा फ्रांट सीटा जो मेरे सामने बैठे हो। अब ये अकीदे की बात है, सुनो।
وہ بات یہ ہے، وہ بزرگ کہنے لگے اے عثمان جو تیری شہادت کے دن کو عید منائیں خدا کرے خود بھی روئیں اور ان کی نسلیں بھی روئیں، اور انشاءاللہ وہ روتے رہیں گے، میری بات لکھ لو۔ کیونکہ صحابہ اور اہل بیت کے مقام کو سمجھنا چاہیے، لوگوں نے اپنی دکانداریاں شروع کر لی ہیں۔ اور میں ایک بات کہ ادھر دیکھو میری طرف، یہ ہمارے سننی ہے نا، سوشل میڈیا تے سن سن کے کئیوں دے دماغ خراب ہوئے جے، آج کل ساڈے نا تھان تے نقیب بڑے پٹڑیوں لتھے جے، کئیوں پیراں دا بیڑا غرق ہو گیا ہے، یہ تو بابے خادم نو اللہ سلامت رکھدا ہے، تے انہوں نے انہاں نو سارے نو دفن کر چھڑنا سی، پر جنے دی عمر تھوڑی سی گل بڑی سونی کر گیا۔ مینارے پاکستان تے بابا جی نو پتا لگا بے پنڈی دے چاند ایک لومڑیاں نے جڑے سیابا نو پونک دے نے، فرمان لگے دھر دھر سیابا نو ہی پہ گئے ہو، تو انو شرم تے جزاک اللہ، تو انو شرم تے حیا نہیں آؤں دی۔ اہل بیت کے پیار کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی صحابہ کو بھونکے، صحابہ کے پیار کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اہل بیت کو بھونکے، جیسے اہل بیت سے محبت ضروری ہے ویسے حضور کے صحابہ سے محبت بھی ضروری ہے، یہ اصل مذہب و مسلک ہے۔ اور میں نے کہا ادھر دیکھ تینوں آج ادھر پہ گئے، کہندا نہیں دیکھو نا نبی پاک نے ہاتھ چکیا سی نا، میں کہ جڑے دن مولا علی دا ہاتھ چکیا ہے اگر اس دن عید بنائی کھلوتا ہے تے فتح مکہ والے دن جدو بوتلوں نے سن نبی پاک نے تے پورا علی بوڑیاں تے بٹھا لیا سی۔ اب سنی بندے کی مجھے سبحان اللہ چاہیے، دوسرے بندے دی نہ منو چاہیے دی نہ لوڑ ہے، او جس دن ہاتھ چکیا جی اس دن عید ہے، جس دن پورا علی چکیا پھر اس دن کی کریں گا۔ اس واسطے میرا پتر رافضیاں والے پاسے نہ جا، سنی والے پاسے آ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، ہر سنی بیان کرتا ہے سنتا ہے خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، شانہ سن کے خوش ہونا سنی دا کام ہے، لیکن یہ کہنا کہ خلافت ہو گئی ہے تو عید ہو گئی ہے، میں کہا پتر یہ نہیں، ہاتھ ہولا رکھ۔ اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو۔